साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने जा रहे हैं। इनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, जो कि भारत में दृश्य नहीं था। अब पहले सूर्य ग्रहण के बाद जल्द ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन लगेगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। वहीं चंद्र ग्रहण से कुछ घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जिसे ज्योतिष के नजरिए से शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल का पहला चंद्र ग्रहण कब और किस दिन लग रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 दिन शुक्रवार को लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण रात 8:45 से शुरू होगा और देर रात 1 बजे समाप्त होगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, लेकिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये उपच्छाया चंद्र ग्रहण है। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ से होती है तो उपच्छाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसके कारण ये ग्रहण हर जगह नहीं देखा जा सकेगा। ये चंद्र ग्रहण यूरोप, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर में देखा जा सकेगा। बता दें कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं। इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इस घटना को खगोलीय घटना के रूप में चंद्र ग्रहण कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय खाना बनाने और खाना खाने दोनों की मनाही होती है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय पूजा अर्चना भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपके घर में आपने मंदिर बना रखा है तो मंदिर के गेट बंद कर दें या फिर उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय सोना उचित नहीं माना जाता। जितना संभव हो भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से निकलने की मनाही होती है। साथ ही इस दौरान पेड़ पौधों को भी नहीं छूना चाहिए।